एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की मज़ेदार कुल्फ़ी। ये देखिए, देखने में जितने सुंदर लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी। तो बस आगे बढ़ते हैं। इसे बनाने के लिए लिया है मैंने 1/2 लीटर मिल्क और साथ में लिया है 1/2 कप शुगर, 3 टेबल स्पून आटा और कुछ बादाम और इलायची। बस अब ये सारी सिंपल इंग्रेडिएंट्स से हमें कुल्फी को रेडी करना है। बस आगे बढ़ते हैं। दूध को गर्म होने के लिए एक पैन में डाल दिया है। देखिए, अब जब तक दूध गर्म हो जाए, हम आटे को अच्छे से इस तरीके से आटे का घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद इसे एक ग्लास में मैं रख दूंगी। दूध में बॉयल आ चुकी है, ये देखिए, हमें इसे कंटिन्यू अब स्टिर करना है। जब तक दूध अच्छे से बॉयल हो जाए, हम इलायची को और बादाम को थोड़ा सा कूट के रेडी कर लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे इलायची डाला है, इसका हमें ड्राई पेस्ट करना है। दूध अच्छे से बॉईल हो चुकी है, अब इस आटे के घोल को हम दूध में डालेंगे। डालने के साथ हमें इसे कंटिन्यू स्टीर करना है, अच्छे से स्टीर करना है बिल्कुल, क्योंकि आप इसे अगर स्टीर नहीं करोगे तो आटे का लम्स रेडी हो जाएगा। इसीलिए हमें इसे अच्छे से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छी तरीके से उबल हो चुका है। इसमें ऐड करना है अब हमें शुगर। शुगर को डालने के बाद इसका जो कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल थिक हो जाएगी, आप देख सकते हो। उसके बाद इसमें डालना है इलायची का पाउडर जो हमने कूट के रेडी रखा था। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। जब हम ये दूध बॉईल होती है, जब हम इलायची इसमें डालते हैं, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होती है कभी कभी, मगर कुछ इसमें चिंता की बात नहीं है। बाद की रेसिपी में आप समझ जाओगे, ये अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी। बस इस तरीके से आपको अच्छे से इसको स्टीर करते रहना है, करते रहना है। दूध का कलर हल्का सा चेंज हो रहा है, एकदम क्रीमी सा टेक्स्चर आएगा इसमें। इसमें अभी हमें इलायची को तो हमने कूट लिया था, अब इसमें बादाम को भी हम इस तरीके से ड्राई पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक जगह पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम मिक्सर में इसे डाल देंगे। डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे हम एक बाउल में डाल लेंगे। डालने के बाद हम इसे एक फ्रीज़र में एकदम से ठंडा होने के लिए कम्प्लीटली 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। ठंडा हो जाने के बाद ये देखिए, मैंने 1 घंटे बाद निकाला है, ये बिल्कुल इस तरीके की दिखेगी। उसी मिक्सी में आपको फिर से इसको डालना है। डालकर फिर से कंटिन्यू, आप हो सके तो इसे 1 से 1.5 मिनट तक लगातार स्पीड में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाएगा, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस आपको करना क्या है, इसमें डालने हैं बादाम के ड्राई किए हुए जो हमने कूट के रखे थे उस पेस्ट को, और मिक्स करने के बाद आप कोई भी कंटेनर में आपको जिसमें आपको जमाना है उसमें डाल सकते हो। मैं इस तरीके की ग्लास में डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। 1/2 लीटर दूध से और 3 टेबल स्पून आटे से मैंने कितने अच्छी तरीके से पूरी ग्लास को फिल कर लिया है। ऊपर आपको लगाना है इस तरीके की फॉइलिंग पेपर, सो दैट इसमें आइस फॉर्म ना हो जाए। इसे रखना है आपको 6 से 7 घंटा फ्रीज़र के अंदर। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हो, मैंने 6 रखी थी, मगर 3 इज़ मोर देन इनफ, तो मैं इसे निकालूँगी।
निकालने से पहले पानी में इस तरीके से रखे तो ईजिली निकल जाती है। आप देख सकते हो देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये खाने में एकदम बाजार जैसी ही कुल्फी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मेरे इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।